मेरा बेटा जो है वो दानिश नाम है उनका, उनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी तो वो नाइट ड्यूटी से ही आ रहे थे वापस, तो उनको शूट करा गया। स्नैचिंग का तो ये कोई केस लग नहीं रहा है, ऐसे तो कोई भी किसी को भी मार के चला जाएगा, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। दानिश के बाद बस ये कि वाडला की कंडीशन बस ऐसी ही है, आपको पता है कि इतना बड़ा सदमा है। मेरा बेटा तो चला गया, दूसरे जो लोग हैं जिनके बच्चे हैं उनकी गोदे ना उजड़े। रिजवान मेरा नाम है, मेरी रिहाइश जो है ये कराची में है, PIB कॉलोनी में। मेरा बेटा जो है वो दानिश नाम है उनका, तो ये वो प्राइवेट पढ़ रहे थे, बाकी ये कि जॉब कर रहे थे वो मेडिसिन कंपनी में, उनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी तो वो नाइट ड्यूटी से ही आ रहे थे वापस, तो ये वहाँ हादसा हुआ है। तो यानी स्नैचिंग का तो ये कोई केस लग नहीं रहा है, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें जो है इनके पास हैं, पुलिस वालों के पास, तो बाइक भी उनके पास है, वॉलेट भी उनके पास है, और उनका मोबाइल वोबाइल सारी चीज़ें हैं, कोई चीज़ उनसे मिस नहीं है। और बाकी ये है कि बस उनको शूट करा गया, तो अब ये समझ नहीं आ रहा किस वजह से शूट करा है, कोई ना उनकी दुश्मनी ना हमारी कोई दुश्मनी है। गवर्नर सिंह और ये जो IG साहब हैं उनसे गुजारिश है कि इसको देखा जाए, जो मुलजिम है उनको अपने अंजाम तक पहुँचाया जाए। दानी जो है वो सबसे बड़ा मेरा बेटा था, बाकी उसके अलावा 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और ये कि 19 साल उनकी उम्र थी, और बाकी ये कि वो भी जॉब कर रहे थे, ताकि क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी है तो मजबूरी वो भी जॉब कर रहे थे। तो बस ये कि इस तरह हादसा हुआ है। दानिश जो है वो किसी यानी पार्टी में नहीं थे, किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो सिर्फ बस ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, बस एक दो दोस्त हैं उनके, बस उनके साथ यहीं बैठना या यहीं PIB में चले आना, बस बैठना उठना बस यही था, यानी कोई वो गैदरिंग नहीं थी उनकी। पुलिस तो अभी बस कर रही है कार्रवाई है, मगर ये कि अभी तक कोई फोटेज या कोई हमारे हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करा, वो अपनी इंक्वायरियाँ कर रही हैं। सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इतने दहशतगर्दी हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, तो ये कि हम लोग आवाम यानी किससे अपील करें, ऐसे तो कोई भी किसी को भी मार के चला जाएगा, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। दानिश के बाद बस ये कि वाडला की कंडीशन बस ऐसी ही है, आपको पता है कि इतना बड़ा सदमा है, एक मेरे लिए भी इतना बड़ा सदमा है, मेरा बेटा बड़ा था। बस यही मेरी अपील है IG सिंह से और गवर्नर सिंह से, जो बड़े लोग हैं सब, उनसे अपील है कि भाई मुझे CCTV की वो फोटेज दें, और इसको जो भी जिन्होंने ये करा है उनको अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। मेरा बेटा तो चला गया, बाकी दूसरे जो लोग हैं जिनके बच्चे हैं उनकी गोदें ना उजड़ें।